बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व बरकातहू। तो कैसे हैं आप सब? अभी होने वाली है जुम्मे की नमाज़ और मैं पढ़ने आया हूँ जुम्मे की नमाज़ एक दुनिया के जो है सबसे खास मुकाम पर, मदीना मुनव्वरा मस्जिद नबी। तो जनाब अभी हम लोग पहुँच चुके हैं बिल्कुल जो है गुंबद खजरा के पास, ये सामने था गुंबद। और यहाँ पर आप लोग देख सही, पूरी यहाँ पर धूप है मगर यहाँ साइड पर जो है छाँव है, सारी छतरियाँ वगैरह सही लगी हुई इधर। सुबह फजर टाइम जो है खुल जाती हैं छतरियाँ और उसके बाद जो है यहाँ पर छाँव हो जाते हैं पूरा बिल्कुल, जहाँ जहाँ पे छतरियाँ लगी हुई हैं। ये भी आप लोग देखें ऊपर, माशाल्लाह काफ़ी बड़ी बड़ी छतरियाँ हैं। और यहाँ पर आप लोग भी आगे देख सकते हैं, ये जुम्मा है क्योंकि आज तो काफ़ी रश हुआ है, लोग स्पेशल जो है जुम्मा पढ़ने आते हैं। हम लोग भी जो है यहाँ पर स्पेशल जुम्मा पढ़ने आए हैं मदीना मस्जिद नबी में, ये आप लोग देखें। और उसी के बाद अगर मैं आप लोग आगे अंदर इंशाल्लाह अभी मैं जाता हूँ तो दिखाता हूँ। और यहाँ से बिल्कुल जो है 10-15 मिनट के अंदर यहाँ पर रास्ते बंद कर देंगे, 11:45 ऐसे यहाँ पर जो है रास्ते बंद कर देते हैं बिल्कुल जो है हरम के और हरम के हदूद के पास जो है रास्ते बंद कर देते हैं। इतना रश हो जाता है यहाँ पर, पाँव रखने की जगह नहीं होती। और आप लोग देखिए किस तरह लगातार लोग है, लोग अंदर जा रहे हैं, सारी कतार दर कतार जो है लोग अंदर जाते जा रहे हैं। और अंदर से जो माशाल्लाह काफ़ी बड़ी मस्जिद है तो इसी वजह से अभी तक उन्होंने मस्जिद बंद नहीं की। तो अभी हम लोग जा रहे हैं अंदर मस्जिद के अंदर जा रहे हैं, यहाँ पर धूप वगैरह थोड़ी गर्मी है और अंदर चलते हैं और अंदर कोशिश करते हैं कि हमें जगह मिल जाए। उसी के साथ साथ जो है हम लोग वहाँ पर अंदर नमाज भी पढ़ लेंगे और कोशिश करते हैं ज़्यारत हो जाए, क्योंकि परमिट के बगैर यहाँ पर ज़्यारत अभी तक नहीं जो है खुली है। परमिट है तो ज़्यारत आप लोग कर सकते हैं, नहीं तो नहीं, उसके बगैर आप लोग को जो है इजाज़त नहीं है। कोशिश करेंगे कि आज हम जो है रोज़ा रसूल की भी ज़्यारत कर लें। और अभी हम लोग जा रहे हैं गेट नंबर 5 से मस्जिद के अंदर जा रहे हैं। ये भी मतलब सारी मस्जिद के हदूद है मगर वहाँ पर जो है पूरी बिल्डिंग बनी हुई है, मैं आप लोग को दिखाता चलूँ अगर। तो माशाल्लाह ये आप लोग देखें चाइनीज़ में और उर्दू में, इंग्लिश में और जो है डिफरेंट लैंग्वेजेस में यहाँ पर लिखा हुआ है। आप लोगों को भी यहाँ पर नज़र आ रहा होगा किसी और लैंग्वेज में, इंग्लिश में नहीं है ये। और अभी हम लोग जा रहे हैं अंदर बाबे कुबा। ओ माशाल्लाह यहाँ पर रश हुआ है सही, बिल्कुल फुल है। अंदर चेक करते हैं कहीं भी जगह मिल जाए तो। और यहाँ पर बस लोग बैठने की करते हैं कि कहीं पर बस जगह मिले और वो बैठ जाते हैं, क्योंकि अभी जब सफ़े बनेंगी तो उसके बाद यहाँ पर काफ़ी जगह बन जाती है। आप लोग देखें ये जो आप लोग को लोग नज़र आ रहे हैं बैठे हुए अच्छी अच्छी जगह पर, ये लोग सुबह 8-7 बजे इस तरह बैठ जाते हैं या फजर के बाद यहीं पर बैठे रहते हैं। तो जी ये हालों के अंदर का भी मैं बैठा हूँ और आप लोग देखिए मस्जिद है और फुल हो चुकी है बिल्कुल फुल। यहाँ से भी बस इस तरह आप लोग को बताया कि 5 मिनट के अंदर अंदर यहाँ पर आप रास्ते वगैरह बंद कर देंगे, ये आप लोग देखें सारा। और जस्ट अभी हम लोग जो है नमाज़ पढ़ के बाहर आए हैं और साथ ही सहन में यहाँ पर जो है डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे कहवा और उसको टेस्ट करते हैं, लग तो मज़े कर आया है। उसके अंदर जो है शहद की भी जो है काफ़ी खुशबू आ रही, यहाँ पर आप लोग देखिए डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं और 6-7 थर्मोस इकट्ठे उन्होंने माशाल्लाह से रखे हैं और उसमें जो है यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। और इस तरह की चीज़ें आप लोग यहाँ पर जो है रोज़ाना देखने को मिलती हैं कि कुछ ना कुछ कोई ना कोई जो है लाजमी डिस्ट्रीब्यूट कर रहा होता है। तो आई थिंक जुम्मा ब्लॉग का ट्रेंड हम लोग यहीं पर कर देते हैं।
और चलते हैं अभी अपने होटल की तरफ। सो विद दैट आई होप कि आप लोग को मेरी ये वाली वीडियो भी जो है बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी और इस चैनल को आगे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मेरा गोल है कि इंशाल्लाह अपकमिंग 2 मंथ्स के अंदर मैं अपने 10K सब्सक्राइबर का जो गोल है वो कंप्लीट कर लूँ। तो उसमें आप लोग की मुझे जो है थोड़ी सी हेल्प चाहिए एंड इस वीडियो को आगे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गुड बाय।